मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान नए नए दावे कर रहा है। जब पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय सेना के 2 पायलटों को उसने अपने गिरफ्त में लिया है, लेकिन अंतिम में यही देखने को मिला कि एक हमारा विंग कमांडर अभिनंदन उनके हाथों में थे। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपने नए नए बेतुके दावे करने से बाज नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला है मंगलवार का। मंगलवार के दिन पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय नौसेना के एक जहाज को उसने अपने जल क्षेत्र के अंदर आने में नाकाम किया है। पाकिस्तानी नौसेना ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक भारतीय पनडुब्बी जहाज को दिखाया गया है और यह बताया गया है उसमें कि भारतीय पनडुब्बी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, जिसको पाकिस्तानी नौसेना ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी नौसेना ने पाकिस्तानी मीडिया को एक वीडियो फुटेज जारी किया है और उसमें यह बताया है कि भारतीय पनडुब्बी की जो घुसपैठ हुई है वो असल में सही है। इस संबंध में पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की जो नौसेना है उसने सफलता पाई है कि भारतीय पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र के अंदर आने नहीं दिया है और अपने कौशल को दिखाया है। लेकिन क्या यह दावा सही है? सवाल है, क्या यह दावा करके पाकिस्तान एक नया राजनीति कर रहा है? क्या इस दावे से पाकिस्तान शांति की वार्ता के लिए आगे आ रहा है? तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान सवाल करता रहा है, अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पूरे विश्व मंच पर पाकिस्तान को आतंकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। आखिर क्या वजह है? वहां पर कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिव हैं और समय समय पर, अगर अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान की बात करें, या बलूचिस्तान की बात करें, या कश्मीर की बात करें, तो यहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन दावों से क्या साबित कर रहा है? अगर पाकिस्तान यह दावा करता है तो क्या पाकिस्तान के इस दावे पर भारत प्रतिक्रिया देगा? क्या वाकई में भारतीय नौसेना का कोई पनडुब्बी पाकिस्तानी जल क्षेत्र में गया था? अगर हम शांति की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, जिसकी बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं, तो क्या फिदायीन आतंकी हमले कराने के बाद जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसमें इस तरह के बेतुके दावे करके अमन और शांति की बात करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर एक्टिव, पाकिस्तान में एक्टिव जो आतंकी संगठन है उसको बंद करके अमन शांति की बात करेंगे? ये देखना होगा। देखते रहें एक्सपोज इंडिया।